नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। देओल फैमिली के पास जश्न मनाने के डबल रीजन है, जहां एक तरफ वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। इन सब के बीच धर्मेंद्र ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बॉलीवुड में कभी उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा कि वो और उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल अपनी मार्केटिंग नहीं करते। धर्मेंद्र को लगता है न सिर्फ वो और सनी बल्कि बॉबी भी अपने लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके परिवार के काम को कोई स्वीकार नहीं करता। धर्मेंद्र ने आगे कहा, मेरे परिवार को कभी भी उसका ड्यू नहीं मिला। हमारा परिवार फैंस के प्यार के दम पर टिका हुआ है। इंडस्ट्री में कभी भी मुझे भी मेरे काम के लिए याद नहीं किया। 1969 में रिलीज हुई फिल्म सत्यकाम के लिए भी मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।